आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रेमलिन दिखाई दे रहा है आप लोग को, जो यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, और उसी के साथ साथ ये गम मॉल है। गम मॉल यहाँ उज्बेकिस्तान दागिस्तान ओके। इसे तो भाई आप जानते ही होंगे, ये क्या चीज है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्यूटीफुल प्लेसेस हाई करते हुए, एंड आप एक बार इनकी लुक को देखिए, शानदार। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके यस चैनल। ओके बाय बाय बाय। प्यारी सी हैं, मजा आया इनसे बात करके। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। स्पेसिबा का मतलब हाय, यू आर हैंडसम, नो ब्यूटी। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद, और एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंद जी ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं रशिया में हूँ, और मैं मॉस्को में हूँ अभी फिलहाल, रेड स्क्वायर के पास में। मैं सोचा कि एक बार आप लोग को दिखा दूँ कि रेड स्क्वायर कैसा होता है। और हालांकि मॉस्को में मैं रेड स्क्वायर पहली बार आया हूँ, और मैं आप लोग को भी एक बार दिखाना चाह रहा था कि रेड स्क्वायर का क्या मज़ा है, रेड स्क्वायर कैसा दिखता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अभी फिलहाल मैं एक लोकेशन पे खड़ा हूँ। यहाँ की लोकेशन की अगर मैं चारों तरफ की बात करूँ, तो आप पीछे देखिए, पीछे का सीन कुछ ऐसा है। अगर मैं इधर दिखाऊँ तो ऐसा है, वैसे ही चारों तरफ। ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये है रेड स्क्वायर, और यही रेड स्क्वायर है। यहाँ हम लोग चलेंगे, घूमेंगे और देखेंगे कि यहाँ का क्या नज़ारा है और कैसा दिखता है ये रेड स्क्वायर की। अगर बाहर की मैं बात करूँ तो बाहर से इसका जो नज़ारा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। सभी लोग घूमने आए हैं, सभी लोग, आज संडे है वैसे, तो संडे के दिन सभी लोग यहाँ पर इंजॉयमेंट करने आए हैं। और हर तरफ आप देख सकते हैं, जिधर भी आप देखेंगे उधर एक अच्छा कितने अच्छे तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया है, और देखने में वाकई में कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है ये रेड स्क्वायर जो है, वो एक फोर्ट की तरह दिखता है। अगर आप इसके बगल में ये देखेंगे तो ये एक किले की तरह दिखाई देगी आपको। दूर तक फैला हुआ और इसी तरीके से दिखता है ये। भीड़ हर तरफ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। रशिया का ये एक टूरिस्ट प्लेस है, और लोग जो हैं वो इसी तरीके से घूमते हैं यहाँ पर। चारों तरफ आपको भीड़ दिखाई देगी। रेड स्क्वायर में मैं बाहरी दृश्य जो है वो दिखा रहा हूँ, और आप देखिए सामने में वहाँ आप देख रहे हैं ना, मैं वहाँ जाना चाह रहा हूँ और वहाँ जा करके एक बार देखना चाह रहा हूँ और आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या चीज़ है वहाँ पर। फिलहाल ये खूबसूरत बिल्डिंग, तो मैं आ गया उस जगह पर जो मैं दिखा रहा था आप लोग को, और यह एक पार्क जैसा है। तो हम लोग अभी अंदर आ गए और एक प्यारा सा साइन दे रहे हैं, यहाँ के ये सिक्योरिटी है। मैंने इनसे पूछा कि क्या हम वीडियो बना सकते हैं, पूछना ज़रूरी है ना भाई। तो एक इन्होंने साइन दिया कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, और काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। तो ये व्हाट्स योर नेम? हमजा। इनका नाम हमजा है, और प्यारे पर्सन है ये। तो ये एक छोटा सा पार्क है जहाँ की खाने की चीज़ें भी मिलती हैं, और जितने भी लोग यहाँ घूमने आएंगे वो सब लोग जो हैं वो यहाँ रुकेंगे, रुक करके और उसके बाद थोड़ा खाएंगे। बच्चे मस्ती कर रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर, कितना प्यारा लग रहा है ना। इस तरीके से जो लोग हैं वो इंजॉय करते हैं यहाँ के, सभी लोग, बच्चे, और इंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में। फ्रीडम वाली लाइफ रहे तो मज़ा ही कुछ और है।
दोस्तों अभी मैं रशिया में हूँ, मॉस्को रेड स्क्वायर। बर्फबारी हो रही है, बर्फ के बीचों बीच मैं आप लोग के लिए एक कंटेंट नया लेकर के आया हूँ। जल्दी से आप लोग आनंद जी ब्लॉग चैनल पर जाइए और देखिए एक खूबसूरत प्लेस, प्यारा सा दृश्य, मजा आएगा आप लोग को। मैं रोज नए वीडियोज आप लोग के लिए लेकर के आते रहता हूँ और फिलहाल अभी मैं मॉस्को में हूँ रशिया के ट्रिप पर। तो आप लोग चैनल पर जाइए, जा करके देखिए, मजा आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, चारों तरफ बर्फबारी हो रही है, तेज बर्फ, और उसके साथ साथ मैं आप लोग को यह दृश्य दिखा रहा हूँ, प्यारा सा, सुंदर सा, काफी ज्यादा खूबसूरत है। यह वो जगह है जहाँ की आइस स्केटिंग करते हैं और उसके लिए प्रिपरेशन किया जाता है। इस जगह को डेली आइस स्केटिंग आप आकर के कर सकते हैं और यहाँ सिंबल आप देख सकते हैं, गूगल मैप के ऊपर भी बड़े से डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है। बहुत सारी जगह है मॉस्को में जहाँ आप आइस स्केट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत तेज, उज्बेकिस्तान, दागिस्तान, ओके, प्यारे पीपल्स मिले हैं हमें और इन लोग से मैं बात करूंगा थोड़ा सा कि यू आर फ्रॉम दागिस्तान। दागिस्तान, ये दागिस्तान से हैं और ये योर नेम प्लीज? जूलिया। जूलिया, जूलिया, इनका नाम जूलिया है और मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। तो सो यू आर फ्रॉम रशिया? ओके, मॉस्को, मॉस्को, ओके, प्यारी सी है, मजा आया इनसे बात करके। यू आर सो ब्यूटीफुल, स्पेसिफा का मतलब यू आर हैंडसम, नो ब्यूटीफुल, ओके, सो दिस कपल इज वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग पर्सन। सो दोस्तों मैं बात कर रहा था आप लोग से और उसी बीच में दो लोग आ गए, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, पर अच्छा है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के, एकदम मस्ती में जीते हैं, मस्ती में रहते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ठंड अचानक से बढ़ गई, बर्फबारी चालू हो गई, तो मैं कैप निकाला और पहना। अभी फिलहाल हम लोग जो है ना पीछे चलेंगे, इधर देखेंगे, इधर जाने के बाद में देखते हैं कि अंदर का क्या नजारा होता है। So, hi guys. Okay. और interesting person, बहुत ही ज़्यादा friendly लोग हैं। और your name please? Danyuk. You are from Russia? Yeah. Okay. Your name? Anna. Anna. Yes. Anna. Anna. A N N A. A N N A. Yes. Okay. My name is Anand. Anand. Yeah. Oh, that's nice. A N A N D. Anand. 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 And Anna. And Anna. Yes. So, मेरा नाम और इनका नाम दोनों का नाम सेम है। ओके, माय नेम इज आनंद, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह, माय नेम इज आना, आई एम फ्रॉम रशिया। ओके, बस मेरा नाम आनंद है और इनका नाम आ है, मतलब काट दो उसको और इनका नाम बन जाता है, फिर बाद में मेरा नाम आता है। ओके, यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो आना के साथ मैं हूँ और आना जो है वो मुझे घुमा रही है। पीछे जो फ्रेंड्स हैं वो काफी ज्यादा हंस रहे हैं ये देख करके कि मैं अना से बात कर रहा हूँ और अना जो है वो मेरे से बात कर रही है, एक्साइटेड है बात करने के लिए। अना के बॉयफ्रेंड है पीछे, वो काले टोपी वाले, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। भाई भारत में ऐसा नहीं होगा। सो अना, yeah, so here's the gum mall. Mm-hmm. It's right there. Mm-hmm. There's, I don't know how to call it in English. Mm-hmm. Well, you can go there too, like inside. Mm-hmm. It's really cool inside there. Uh-huh. You can see the, like, the, how do you call it?
So you see the thing that looks like ice cream, the Russian ice cream. So you need to go outside. It's really cool here. So this is the Gamal. And then if you go further, so there's a place. It's called Zarya. It's like a type of a museum, but it has lots of museums. It's really it's interesting there too. And there's some churches all around here. So you can go there inside, like to look, maybe to make photographs to show your followers. Well, and there's a cool place here too. Well, in winter they have like they go, I don't know how it's called when you go skiing, but you have like the shoes that so there's a place ice skating. So there's a place here and it's for the children, and you can buy souvenirs here and some Russian food and toys, like you see the hats, Russian hats. The Russian hats usse dikha rahi hain, main dikhaunga aap log ko. हम और आना बात करते हैं और इनका बॉयफ्रेंड पीछे छूट गया. So yeah, so that's all. Okay. Okay. Please subscribe my channel. Okay. Oh, his channel. Okay. Bye bye. Bye. So Anathi वो मुझे बता रही थी कि यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमना है, आपको कैसे घूमना है, वो सारी चीजें बताई उन्होंने. और मैं आप लोग को अब दिखाऊंगा, यहाँ मैं अंदर आ गया हूँ रेड स्क्वायर के अंदर, थोड़ा मैं यहाँ का सीन दिखाता हूँ आप लोग को, फिर मजा आएगा. ये देखिए मुझे देख करके पोज दे रहे हैं, और इनके फ्रेंड्स हैं यहाँ, ये फ्रेंड्स हैं और ये भी पोज दे रहे हैं, बहुत ही इंजॉयमेंट हो रहा है भाई यहाँ. सो दोस्तों, प्यारा से एक झुंड और मिल गया है, भेड़ का बोले या बकरी का पता नहीं, लेकिन प्यारे दोस्त हैं सभी के सभी, अच्छे पर्सन हैं और हाय कर रहे हैं भाई. नेम प्लीज. इज़लाता. योर नेम? मिखाइल. माइकल. जैक्सन. यस यस. दादा. दादा का मतलब हाँ होता है यहाँ भाई. And your name? Daniel. Your? Matvey. Matvey. Yes. Yeah. You? Chimashvey. पता नहीं प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं हो रहा, लेकिन सही है. यू कम हियर, कम हियर, कम. एक छोटा सा प्यारा सा एक साइन साइन देंगे. सो यू आर फ्रॉम रशिया? ओके. यू आर डांसर? नो. यू डोंट नो डांस? Yes. It's on Swiss. No. ये डांस नहीं जानते भाई. ये देखिए. डू डांस. ये देखिए प्यारा से डांस कर रहे हैं, और ये चालू हो गए, इधर भी ये भी चालू हो गए. ऐसे मस्ती वाले लोग होते हैं भाई यहाँ. ये देखिए प्यारे से डॉल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये सभी लोग जो हैं वो ऐसे सज के हैं, और कितना खूबसूरत जो है वो माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ, और इंजॉय करेंगे ये लोग, डांस करेंगे मे भी मुझे लगता है, या फिर फोटो खिंचवाएंगे पता नहीं. तो आप लोग देख सकते हैं ना कि ये जो है, हालांकि ये लोग डिमांड करते हैं अगर इनके साथ आप फोटो खिंचवाएंगे तो ये 500 रुपए मांगते हैं भाई. फॉरेनर देख करके बोले होंगे मेरे से, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा. और चारों तरफ आप देखिए, तो आप देखिए ये ब्यूटीफुल प्लेसेस, हाई करते हुए. एंड आप एक बार इनकी लुक को देखिए, शानदार. तो अभी मैं गम मॉल के पास में हूँ, पीछे में आप देखिए ये गम मॉल है, हमें जाना है रेड स्क्वायर में. मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाने के लिए मैं आ गया गम मॉल दिखाने को आपको, और हाई करते हुए ये प्यारे से थैंक यू. और ऐसा लगता है जैसे सभी लोग मित्र हैं, दोस्त हैं, और इंजॉय करते हैं सभी लोग साथ में. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और हम लोग
रेड स्क्वायर की तरफ चलते हैं। हम लोग बारिश में छाता लेकर के चलते हैं, लेकिन ये लोग जो है ना वो बर्फ में लेकर के चलते हैं। वाह मजेदार भाई। तो दोस्तों हम लोग फाइनली रेड स्क्वायर के ऊपर पहुंच गए हैं और एक प्यारा सा चीज दिखाता हूं आप लोग को। ये जो देख रहे हैं ना यही है यहाँ का राष्ट्रपति भवन जहां पुतिन विराजमान है और अभी भी है उसके अंदर। और आपको मैं दिखाता हूं वहां हम लोग जा रहे हैं, ये रेड स्क्वायर इस लेन को बोलते हैं और यहाँ पर बहुत सारे परेड होते हैं यहाँ के। हम लोग अभी फिलहाल वहां जा रहे हैं। रसिया का झंडा आप देख सकते हैं और चारों तरफ बर्फ, लोग जो हैं वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं और इस तरीके से चारों तरफ जो है ना वो सुंदरता। यहाँ साफ सफाई बहुत बहुत ज्यादा। तो फिलहाल हम लोग रेड स्क्वायर के ऊपर चल रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आता है जब हम लोग चारों तरफ खूबसूरती देखते हैं। लोग हैं वो हर एक तरीके से अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं और इसका लुफ्त उठा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए और सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को देख रहा हूं और बस इस रेड स्क्वायर पर बेचारी वो बहुत तेज गिर गई, लोग फिसल जाते हैं यहाँ अक्सर ऐसे ही। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है ना वो गिर गई, एक को बचाने में दूसरा गिर गया तो इस तरीके से। और ये दोबारा से मिले और वैसे ही मस्ती में निकल गए। एक चीज है ना भाई कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कोई भी अगर गिरता है ना तो लोग हंसते नहीं है। आप अपने वीडियो में देखा कि कितने सारे लोग जो है वो थे लेकिन कोई नहीं हंसा। आप सामने घड़ी में देख सकते हैं कि शाम के हो रहे 5। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है ना इस झूले का लाभ उठाते हुए और मस्ती में झूलते हुए भाई स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग। और ये बच्चे जो है इतने ठंड में भी मजे ले रहे हैं। यहाँ मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये चर्च है, चर्च के अंदर बेल्स सुनाई दे रहे हैं और अभी ये मॉस्को का पॉपुलर जगह, उस जगह पर मैं हूँ जिसे मैं इंटरनेट में देखा करता था। एक बार मैं यहाँ से सेंटर पे खड़ा होकर के पूरी की पूरी दृश्य आप लोग को दिखाऊंगा। आप देखिए चारों तरफ ब्यूटी, इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है लेकिन फिर भी गंदगी नहीं है। इतना ज्यादा बर्फ होने के बावजूद भी यहाँ पर यहाँ से मैं मॉस्को की खूबसूरती दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं ना कि रोड के ऊपर ये लाइट्स लगाए गए हैं, स्ट्रीट लाइट, इतना जबरदस्त तरीके से खूबसूरत बनाया हुआ है माहौल को।
और उसी के साथ साथ में बगल में आपका यहाँ प्रेसिडेंट हाउस है, तो वो खूबसूरती बरकरार रखा गया है। और उसके साथ साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ शानदार तरीके से ये बिल्डिंग, और उसके साथ साथ मैं अगर बात करूँ तो जैसा कि मैंने दिखाया आप लोगों को, वो जैसे जैसे रात होते जा रहा है ना, खूबसूरत और ज्यादा होते जा रहा है भाई ये जगह। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में क्रेमलिन दिखाई दे रहा है आप लोग को, जो यहाँ का राष्ट्रपति भवन है, और उसी के साथ साथ ये गम मॉल है। गम मॉल यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस मॉल है, और उसके साथ साथ यह चर्च है, चर्च को आप देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ इसे तो भाई आप जानते ही होंगे, ये क्या चीज है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो एक और मित्र मिल चुके हैं और ये हाय कर रहे हैं। यू आर फ्रॉम वेरी पॉपुलर सिटी, एंड सो ब्यूटिफुल प्लेस। आई एम फ्रॉम इंडिया, माई नेम इज आनंद। हाय, एक और जुड़ गए। और व्हाट्स योर नेम? Maxim. Yeah. You are from also St. Petersburg? No, I'm from Moscow. You are local from Moscow. Yeah. Okay. अच्छी बात है कि इंग्लिश आती है इनको भाई, मुझे आसान हो गया बात करते हुए। अभी यहाँ देखिए, पैरों में बड़ी बड़ी पहन करके, और ये लोग जो हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं लोगों के साथ में, और ऐसे एंजॉयमेंट जो है यहाँ चलते रहता है। सभी लोग, हर एक लोग खुश मिजाज होते हैं, और ऐसे ही अट्रैक्शन का केंद्र बनाया जा रहा है। ऐसे ऐसे करके लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं बारी बारी से फोटोज खिंचा रहे हैं। सो दोस्तों, आज का ब्लॉग हमारा यही समाप्त होता है, क्योंकि मैंने रेड स्क्वायर आप लोग को दिखाया, और इंटरेस्टिंग यहाँ के जितने भी चीजें हैं वो सारा कुछ मैंने आप लोग को एंजॉय कराया, दिखाया, लोगों से मिलाया। बहुत ही मस्त लोग हैं यहाँ के, एकदम फ्रेंडली रहते हैं। वो सारा कुछ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेगमेंट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए आनंद जी ब्लॉग है।